फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। देश की प्रभावित अर्थव्यवस्था के मद्देनजर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 30 अगस्त को बैंकों के विलय की घोषणा की गई, जिसमें इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में किए जाने की बात कही गई। इस घोषणा के बाद अब वित्त मंत्री के इस निर्णय का विरोध करना शुरू हो गया है। बैंक कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों ने इस निर्णय को तानाशाही भरा निर्णय बताया, साथ ही कहा कि हमने रात दिन एक कर अपनी मेहनत से बैंक को प्रॉफिट में लाया है, लेकिन सरकार ने एकाएक ऐसा निर्णय सुनाकर बैंक की पहचान खत्म करने जैसा काम किया है, जिसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। जाहिर है कि देश की अर्थव्यवस्था के नींव हिलने से देश के हालात संकट में नजर आ रहे हैं। इस बीच ऐसा निर्णय बैंकों के लिए काफी निराशाजनक है। अब इसके विरोध में पीड़ित पक्ष के हजारों की तादाद में कर्मचारी व अन्य लोग इकट्ठा हुए। उनका कहना है कि इलाहाबाद बैंक देश का सबसे पुराना बैंक है। उन्होंने मीडिया को बताया कि आज इलाहाबाद बैंक में 24,000 कर्मचारी कार्यरत हैं और लगभग 3300 शाखाओं का विस्तृत नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है। ऑल इंडिया इलाहाबाद बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन और इलाहाबाद कर्मचारी एसोसिएशन के बैनर तले इलाहाबाद के बैंक से जुड़े सारे प्रोफेशनल्स, वकील, रिकवरी एजेंट और बैंक मित्र स्थायी और अस्थायी कर्मचारी मंडलीय कार्यालय माल रोड स्थित मेरठ कैंट इलाहाबाद बैंक में एकत्रित हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करना शुरू किया। प्रदर्शन करने वालों की संख्या हजारों में रही और उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। उन्होंने ये भी कहा कि इलाहाबाद बैंक की पहचान बैंकिंग जगत में एक बरगद के पेड़ के रूप में है। इसके बाद बैंक अधिकारी दिनेश कुमार ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि इलाहाबाद बैंक हमारे दिलों में बसता है। इसी क्रम में उमाकांत शर्मा बैंक अधिकारी ने कहा कि हम रात दिन मेहनत करके अपने बैंक को प्रॉफिट में लेकर आए हैं, उसके बाद भी सरकार ने ये तानाशाही भरा निर्णय लिया जिसका हम हर स्तर पर विरोध करेंगे। इस मौके पर मधुसूदन शर्मा, गगनदीप सागर, चक्रपाणी द्विवेदी, ललित शर्मा, राजेंद्र कुमार, मोहम्मद शादाब, अमरीश, आरपी सिंह, मोहित कुमार, जगत सिंह आदि लोग शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट बाइट टीवी।